नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति चुनाव भी कल होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। जनता दल यूनाइटेड ने जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता आज। भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। भाजपा को जानो अभियान के अंतर्गत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भेंट करेंगे। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग झी यी से और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार ने संसद के वर्षाकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का यह सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज ऊपरी सदन के विभिन्न दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसी मेरी अपेक्षा की है। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के कारण संसद का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा महंगाई, अग्निपथ योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने की संभावना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले कल रात पार्टी सांसदों के साथ रात्रि भोज पर बैठक की। केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, स्मृति ईरानी, किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य भाजपा सांसद नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्री धनखड़ के नाम की घोषणा की। सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया, लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री धनखड़ गृहमंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मिले थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जनता दल यूनाइटेड उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। श्री कुमार ने देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा का स्वागत किया। जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में 16 सांसद और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश सहित 5 सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं वे कभी भी नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मानसिकता के लोगों को लगता है कि वे मतदाताओं को मुफ्त सुविधाओं का लालच देकर उन्हें खरीद सकते हैं। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के विपरीत उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने शॉर्टकट अपनाने के बजाय राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत का फैसला किया। श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब दूर दराज के इलाकों ने मान लिया था कि केवल बड़े शहर ही आधुनिक परिवहन साधनों के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में इस धारणा को बदल दिया है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ चित्रकूट से दिल्ली की दूरी लगभग 3 से 4 घंटे कम हो गई है। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को ही गति नहीं देगा बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति को भी साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पर्यटन सर्किट का मुख्य केंद्र बनाने की अपील की। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता का 16वां दौर आज होगा। दोनों देशों के सैन्य कमांडर आज सुबह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर चुशुल मोल्डो स्थल पर बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सेना हटाए जाने पर बातचीत होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर मुलाकात के बाद इस दौरा की वार्ता हो रहा है। पूर्व लद्दाख में सीमा पर शांति बहाल करने के लिए डेपसांग और डेमचोक में मुद्दों के समाधान मांग के अलावा सभी शेष घर्षण बिंदुओं से सैनिकों को जल्दी से हटाने के लिए भारत दबाव बना रहा है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घर्षण बिंदुओं में से एक के करीब लड़ाकू विमानों को उड़ाने के बारे में भी भारत चिंताएं जता सकते हैं। ले स्थित फायर एंड फ्यूरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता भारतीय सेना के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला प्रमुख मेजर जनरल एंगलिन वार्ता में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। देश में कोविड टीकाकरण 199 करोड़ 96 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के निकट है। श्री मांडविया ने कहा कि 200 करोड़ टीकों की उपलब्धि प्राप्त करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगाने की शुरुआत पिछले वर्ष 16 जनवरी से हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 6,41,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 5,62,00,000 से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता संबंधी किसी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800-11400 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। खुजली झटपट दूर करें वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र फिर से मुख्य समाचारों पर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति चुनाव भी कल होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। जनता दल यूनाइटेड ने जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य स्तर की वार्ता आज। भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। भाजपा को जानो अभियान के अंतर्गत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भेंट करेंगे। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग झीझी से। और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में भाजपा को जाने अभियान के अंतर्गत नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मिलेंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अध्यक्ष श्री प्रचंड भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौधरी वाले भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा को जाने कार्यक्रम के तहत विदेश के प्रमुख व्यक्तियों से मिल रहे हैं। वे अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवेन बालाकृष्णन और 47 देशों के राजदूतों से मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने 2002 के दंगों के बाद गुजरात सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने अदालत के समक्ष हलफनामा दिया है, जिसमें दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बीच पैसों के लेनदेन की बात कही गई है। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगी राज्य सरकार की छवि धूमिल करने की राजनीतिक मंशा से काम कर रहे थे। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे थे। उनका मंसूबा क्या था, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके। इस बीच कांग्रेस ने अहमद पटेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। मध्य प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के पहले चरण के वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे शुरू होगी, साथ ही साथ परिणाम भी घोषित किए जाते रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि आज 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषदों में वोटों की गिनती होगी। इन सभी नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम से हुआ था। दूसरे चरण की मतगणना 20 जुलाई को होगी। राज्य के 4 प्रमुख नगर निगमों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE की 10वीं कक्षा का परिणाम आज शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसे परिषद की वेबसाइट CISCE.org पर देखा जा सकेगा। परिणाम SMS के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 23 जुलाई को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है लोक प्रशासन। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नम्बर 9289044 या abhyas.eir@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर दूषित पानी और खाद्य सामग्री के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार उपलब्ध कराएंगे। बाढ़ग्रस्त जिलों के जलमग्न क्षेत्रों में कोविड परीक्षण भी किए जाएंगे। 8 जिलों में नियुक्त विशेष नोडल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में दवाएं और जरूरी चीजें उपलब्ध हों और विषाणुजन्य बीमारियों को रोकने के उपाय किए जाएं। राजस्थान में रेलवे ने जोधपुर मंडल के हनवंत स्टेशन से असम के लिए 1100 टन लकड़ी का कोयला रवाना किया है। ये पहला अवसर है जब मालगाड़ी के 42 डिब्बों से इतनी बड़ी परिमाण में चार कोल भेजा जा रहा है। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि हनवंत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बबूल का कोयला उपलब्ध है। केरल में आज से रामायण मासम शुरू हो रहा है। ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह कर्किडेयम की शुरुआत का प्रतीक है। रामायण मास के दौरान केरल के हिंदू घरों और मंदिरों में पूरे महीने गोधूली वेला में रामायण का पाठ किया जाता है। ये मास आयुर्वेदिक उपचार और तीर्थ यात्राओं के लिए अनुकूल माना जाता है। रामायण मास 16 अगस्त को संपन्न होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संगठनों ने अलग आयोग बनाए जाने, भेदभाव रोधी कानून और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण की मांग करते हुए कल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में 35 से अधिक धार्मिक राजनीतिक संगठन शामिल हुए। ढाका के अलावा चटगांव और अन्य स्थानों पर भी रैलियां हुईं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की एक और घटना में शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर नरेल जिले में हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी।
भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला चीन के वांग झी यी से होगा। सेमीफाइनल में कल सिंधु ने जापान की सेइना कावाकामी को पराजित किया। ये इस साल में तीसरा अवसर है जब सिंधु किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोथ सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोथ सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोथ सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोथ सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार द्वार कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोथ सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने द्वार पर तिरोथ सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोथ सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोथ सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835 को यू तिरोथ सिंह सीएम का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार देश के इस वीर सपूत को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रहे हैं। हस्साराम पमनानी की मृत्यु 17 जुलाई 1940 को हुई थी। 10 अप्रैल 1889 को सिंध के रोहरी में जन्मे पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ১৯৩৭ में पमनानी सिंध विधानसभा के लिए चुने गए। जब क्षेत्र में सांप्रदायिक भावनाएं भड़की तो पमनानी ने घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हस्साराम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी। आकाशवाणी समाचार इस महान शहीद को नमन करता है। मोहे जो वतन, मोहे जो वतन, मोहे जो वतन, मोहे जो वतन।
गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसब को भी आज याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 17 जुलाई 1930 को हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। पुलिस ने किशोर को प्राथमिक उपचार देने की बजाय गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिति में जे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके दो दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान सत्याग्रही को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुड़िया को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। गुड़िया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 1859 को अंडमान की सेलुलर जेल के कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब मौसम। दिल्ली में आज बारिश हो रही है। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में गरज के साथ बौछार पड़ सकती हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में बादल छाए रहेंगे। लेह गिलगित और मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा की संभावना है। केरल में कई स्थानों पर वर्षा से जुड़ी घटनाओं में कल 4 लोगों की मौत हो गई। वायनाड और इडुक्की सहित राज्य के 8 उत्तरी और मध्यवर्ती जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने का समाचार अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है कि युवा सतर्क रहें, अगर वर्तमान बिगड़ा तो आने वाला कल अंधेरे में सिमट जाएगा। जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित करने की खबर भी सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिन्दुस्तान की खबर है, पूंछ सीमा से घुस रहे पाकिस्तानी ड्रोन को सेना ने सतर्कता से खदेड़ा। देश में कोरोना के 20,000 से अधिक मामले, लिखा है राष्ट्रीय सहारा ने। नवभारत टाइम्स की खबर है, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में भारत आज रचेगा इतिहास। 200 करोड़ डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत। शनिवार शाम तक इस लक्ष्य से मात्र 3 लाख की दूरी थी। 341 करोड़ डोज लगाकर चीन पहले स्थान पर है। कल से शुरू हो रहे संसद के सत्र के दौरान 24 नए विधेयक सूचीबद्ध होने को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने विशेष आलेख में लिखा है, घर घर फैला जासूसी का चीनी जाल, मोबाइल यूजर्स की जानकारी चुराने के लिए नाम बदल बदल कर घुसपैठ कर रही हैं चीनी कंपनियां। कई राज्यों में मानसून की बारिश होने को अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, प्रचंड गर्मी की चपेट में यूरोप, फ्रांस और स्पेन में जंगलों में आग। हिंदुस्तान ने लिखा है, घटने लगे बरसात के दिन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति चुनाव भी कल होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। जनता दल यूनाइटेड ने जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य स्तर की वार्ता आज। भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर।
भाजपा को जानो अभियान के अंतर्गत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भेंट करेंगे। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी ही से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।